Hello everybody, welcome to NK English classes. I am Manisha Kaushik. आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर. लेकिन उससे पहले मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की पार्ट वन एंड पार्ट टू की वीडियोज नहीं देखी हैं, तो वो उसको अवश्य देख लें ताकि उनको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके. उन वीडियोज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है. साथ ही मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स की वीडियो भी अलग से अपलोड की है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको अवश्य देख लें. तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज से. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बतलाया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं. पहली चीज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, दूसरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, तीसरी चीज जो हमारा नया ऑब्जेक्ट है उससे पहले बाय का यूज करते हैं, चौथी चीज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करते हैं. तो ये पॉइंट्स हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए ध्यान रखने चाहिए. तो आइए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दे वर रीडिंग अ बुक. अब आप देखिए अ बुक ये ऑब्जेक्ट है और दे ये सब्जेक्ट है, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे. अ बुक का सब्जेक्ट भी अ बुक ही होगा, तो अ बुक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है. वर रीडिंग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो मैंने आपको बतलाया था यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए मतलब वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आ जाए तो आप क्या करेंगे, वॉज या वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो आप क्या लगाएंगे, बीइंग, क्योंकि हमें आईएनजी भी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए. ठीक है, तो वॉज वर्ब के साथ आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. बुक के साथ यहां दे के साथ वर्ब यूज होता है, अ बुक, बुक के साथ वॉज यूज होगा तो हम अ बुक वॉज रीडिंग, बीइंग लगाएंगे हम और थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम है, अ बुक वॉज बीइंग रेड. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर दे का ऑब्जेक्ट है देन, तो हम देन लिखेंगे और मैंने आपको बताया है नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाय. तो हमारा सेंटेंस बन गया अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय देन. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो हिम वेरी वेल. अब आप देखिए ये नो वाला सेंटेंस है, इसका रूल भी मैंने आपको बताया था, साथ ही बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं अपना. ये हमारा सब्जेक्ट है हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर हिम का सब्जेक्ट हो गया ही. अब उसके बाद देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए ऐसे या ईएस आ जाए, डू या डज आ जाए, तो क्या करेंगे आप, एज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है, तो ही के साथ इज आर एम में से इज लगेगा, ही इज थर्ड फॉर्म हमारी हो गई. नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, ही इज नोन. अब ये जो वेरी वेल है इसको हम बाद में लगाएंगे, ये ध्यान रखना. तो ही इज नोन, आई सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना के, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो इसको ऑब्जेक्ट बना के हम इधर ले आएंगे. तो ही इज नोन और उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया है बाय लगेगा नए ऑब्जेक्ट से पहले. लेकिन साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे नो है तो उसमें बाय नहीं लगता है बल्कि टू लगता है. इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए. तो ही इज नोन टू मी, ही इज नोन बाय मी नहीं, ही इज नोन टू मी वेरी वेल, वेरी वेल
ये आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। He is known to me very well. Next sentence है, His behavior has greatly surprised me. ये भी उसी तरीके का सेंटेंस है, सब्जेक्ट आपका और ऑब्जेक्ट ये रहा आपका, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, आई, मी का सब्जेक्ट आई हो गया। अब आप वर्ब देखिए, सब्जेक्ट को तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, हैज लगा है, तो मैंने आपको बताया था यदि हैज एव हैड आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, बीन, बी डबल ई एन, बीन लगाएंगे, ठीक है ना। हैज आ जाए तो हैज या हैव में से कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है, तो आई हैव, ठीक है, आई हैव। उसके बाद सेंटेंस क्या है, हिज बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज मी, आई हैव बीन ग्रेटली, हैव के साथ आप बीन लगाएंगे, आई हैव बीन ग्रेटली। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ये है ही आपकी, सरप्राइज्ड, मैंने आपको बताया था हैज एव हैड के साथ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हिज बिहेवियर का ऑब्जेक्ट हिज ही रहेगा, हिज बिहेवियर। और अब ये देखिए यहां पर क्या आया है, सरप्राइज्ड, मैंने आपको बताया था एस्टोनिश्ड आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, डिसअपॉइंटेड आ जाए, इन सब के साथ बाय नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, एट लगेगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, क्लियर, यहां पर बाय नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी हैज टू डिसाइड द मैटर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम ले आते हैं यहां पर, द मैटर सब्जेक्ट बनाकर द मैटर। अब आ गया हैज टू, ये मैंने सेंटेंस जान के लिखा है क्योंकि आपको मैंने बताया था हैज एंड हैड आ जाए तो बीन यूज करेंगे, लेकिन अब आप ये देखें यहां पे हैज के साथ टू बी लगा हुआ है, तो एक तरीके से मॉडल का काम कर रहा है, हैज टू आ जाए, हैव टू आ जाए या हैड टू आ जाए, मतलब उसके साथ टू बी यदि लगा हो तो आप बी नहीं लगाओगे बल्कि बी लगाओगे, मॉडल की तरह से उसको यूज करोगे, जैसे जिस मॉडल के साथ आप बी लगाते हैं इसी तरह से हैज टू, हैव टू, हैड टू आ जाए तो भी आप बी लगाएंगे, बी नहीं लगाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो द मैटर हैज या हैव, मैटर के साथ हैज आता है, हैज टू बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, द मैटर हैज टू बी डिसाइडेड, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, बाय उससे पहले लग जाएगा, तो द मैटर हैज टू बी डिसाइडेड बाय हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस, ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, अब आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा डेट से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, यदि क्वेश्चन वर्ड है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, डेट से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यदि सेंटेंस में डिड आ जाए तो वॉज या वर्ड लगेगा, ठीक है, लेकिन वो वॉज या वर्ड जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके हिसाब से लगेगा, डेट पहले आया हुआ है तो वॉज या वर भी पहले आएगा, ठीक है। द लायन ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है द हंटर, तो द लायन को हम सब्जेक्ट बनाकर इधर लेकर आएंगे और उससे पहले हम वॉज या वर लगाएंगे, लायन के साथ लगेगा वॉज, तो वॉज द लायन, सब्जेक्ट की जगह हमारा ऑब्जेक्ट आ गया वॉज द लायन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, शूट की सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म शॉर्ट होती हैं, तो वॉज द लायन शॉर्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उधर ले आएंगे और उससे पहले हम बाय लगा देंगे, तो बाय द हंटर। बस आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान रखिए कि
हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जो हमने नया सब्जेक्ट बनाया है उससे पहले आएगा, ठीक है। तो वॉज द लायन शॉट बाय द हंटर, डिड द हंटर शूट द लायन, क्या हंटर ने लायन को मारा, क्या लायन हंटर के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसमें भी वॉज या वर्क लगेगा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट, तुमने पूरा क्यों नहीं किया, क्या पूरा नहीं किया, योर वर्क अपना काम, तो ये क्या का जवाब इसमें है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। ये जो टाइम है यस्टरडे, ये चीज ध्यान रखो ये बाद में है, इसको हमें सबसे बाद में ही रखना है। टाइम वाला यदि कोई भी ऐसा वर्ड आ जाता है यस्टरडे को तो छोड़ दीजिए आप, क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले तो आप वाई क्वेश्चन वर्ड है उसको लिख लीजिए वाई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड लगा हुआ है तो जाहिर है वॉज या वर लगेगा, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब जो है किसके हिसाब से लगेगा, जो हम इस नए ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब इसको हम यहां जो नया सब्जेक्ट बनाकर लेकर आएंगे इसके हिसाब से लगेगा। योर वर्क के साथ वॉज लगता है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया वॉज। अब इसे सब्जेक्ट बनाकर यहां पर ले आइए, वाई वॉज योर वर्क, ठीक है, इसकी जगह वॉज आ गया, इसकी जगह योर वर्क आ गया। अब नॉट कंप्लीट, नॉट की जगह नॉट लिख दो, वर्क की थर्ड फॉर्म कंप्लीटली कंप्लीटेड हो जाएगी। उसके बाद व्हाई वाज योर वर्क, योर वर्क नॉट कंप्लीटेड, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उधर ले जाओगे, यू का ऑब्जेक्ट आपको पता है बाय वो यू ही होता है तो बाय यू हो जाएगा, यू से पहले बाय लगा देंगे और फिर यस्टरडे लास्ट में, यस्टरडे टाइम जो है यस्टरडे टूडे कुछ भी आ जाए ये आप बाद में ही लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया Why was your work not completed by you yesterday? Interrogative sentences करना बहुत आसान है, बस उसका जो क्या कहते हैं जिस तरीके से बनाया जाता है वो ध्यान रखिए, ऑर्डर जो है वो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि इससे पहले नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे, और फिर जो है ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हु वाला, हु ब्रोक द विंडो, हु वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया है, हु सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इसका बाय हुम, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है स्टार्टिंग में ही लगाएंगे बाय लगाकर, तो बाय हुम हो जाएगा। अब हमने इसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया बाय हुम, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ये सब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाकर इधर लेकर आएंगे और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ब्रोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये भी, तो ये भी वॉज या वरी लगेगा, विंडो के साथ वॉज लगता है, तो बाय हुम वॉज सब्जेक्ट बना के विंडो को इधर ले आए, वॉज द विंडो ब्रोक थर्ड फॉर्म बन के उधर चला जाएगा, ब्रोक ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन, तो हमारा सेंटेंस बन गया। बाय हुम वाले सेंटेंसेस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट आर यू डूइंग, ये भी थोड़ा सा चेंज है, इसको ध्यान से देखिए कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनता है। व्हाट आर यू डूइंग, इसमें आप ये देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट लीजिए पहले, तुम क्या कर रहे हो, करने वाला कौन है तुम, तो इसका मतलब ये तो हमारा सब्जेक्ट है व्हाट आर यू डूइंग तुम, ठीक है ना, करने वाला सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहे हो आप, क्या करने का आंसर इसमें छिपा हुआ है ना वर्ड में, तो ये ऑब्जेक्ट है, तुम क्या कर रहे हो, मैंने बताया था क्या या किसको जो जो हमें जवाब मिले तो वो ऑब्जेक्ट होता है, अभी इसमें जवाब नहीं है तो क्या जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो भी शुरू में लिखा जाएगा इसलिए, और सब्जेक्ट है इसलिए भी शुरू में लिखा जाएगा, यहां पे शुरू में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को हम स्टार्टिंग में ही लिखते हैं, ठीक है ना, तो जैसे यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड था तो इसको ऑब्जेक्ट होने के बावजूद हमने स्टार्टिंग में लिखा, इसी तरह से अब इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, व्हाट
वॉट स्टार्टिंग में रहा वॉट, अब ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट पहले था ये अब हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमारा सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, अब हमें बनाना है तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपको पता है बाय यू होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है तो उससे पहले बाय लग जाता है। सब्जेक्ट के बाद यहां पे आर जो है किसके हिसाब से लगा हुआ है, इसके हिसाब से लगा हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज एम आर और आई एनजी लगा हुआ है वर्ब में, आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए इज एम आर आ जाए तो इज एम आर में से जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर बींग लगाओगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ध्यान रखो आई एनजी वाले में हमें आई एनजी भी चाहिए होता है, इसे बिना सोचे समझे उसमें बींग लगाना है। तो वॉट, अब ये आर यू के हिसाब से लगा हुआ था, अब हमारा सब्जेक्ट वॉट है तो इज लगेगा वॉट के साथ। वॉट इज बींग थर्ड फॉर्म डूइंग की, डू की, डन की सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसे बीच में नहीं लिखा है, इसे ऑब्जेक्ट बना के हम बाद में लेकर जाएंगे बाय यू। ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद लगेगा ना, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लगता है, अभी हो गया सब्जेक्ट फिर वर्ब हो गया फिर ऑब्जेक्ट हो गया। What are you doing? What is being done by you? ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। प्लीज ब्रिंग मी अ बुक, ये सेंटेंस हमारा प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज वाले सेंटेंस मैंने आपको बताए थे ये सिर्फ एक तरीके से बनते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बहुत इजी है, प्लीज आप हटा दोगे। ठीक है, प्लीज की जगह आप यू आर रिक्वेस्टेड लगा दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद वर्ब से पहले टू लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा और बाकी सेंटेंस एज इट इज उतार दोगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ बुक। बहुत आसान सेंटेंस है, प्लीज वाला सेंटेंस जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स, ये वाले सेंटेंसेस जो इंपेरेटिव सेंटेंस है मैंने आपको बताया था तीन तरीके से बनते हैं, लेट का यूज करके, शुड बी का यूज करके और यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड ये यूज करके। ठीक है, तो हम इसको लेट वाले उससे बनाते हैं। लेट का मैंने आपको बतलाया था फॉर्मूला क्या था, पहले आप लेट लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर यदि नॉट है तो नॉट लगाएंगे नहीं तो बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ये हमारा वर्ब है ओपन, खोल दो, क्या खोल दो, ऑल द विंडोज एंड डोर्स, सभी खिड़की दरवाजे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। ठीक है, लेट लगाओ आप सबसे पहले, लेट, अब ऑब्जेक्ट लगाओ ऑल द विंडोज एंड डोर्स, लेट ऑल द विंडोज एंड डोर्स, बी लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, लेट ऑल द विंडोज एंड डोर्स बी ओपन। एक चीज और मैंने आपको पिछले उसमें बताना थोड़ा सा रह गया, जो ये वाले सेंटेंस होते हैं इनमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है, हिडन होता है, इसमें आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और ना लगाना चाहें तो ना लगा सकते हैं। तो इसको हम सेंटेंस को, लेट वाले सेंटेंस को ध्यान रखिए, अगर हम यहां पर ये ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स, सभी खिड़की दरवाजे खोल दो, किसको कह रहा है, आपको कह रहा है यू, ठीक है ना, तो हमारे इसमें हमेशा सब्जेक्ट जो होता है यू होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो हम बाय लगा के बाय यू लगा भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये हमारा हिडन है, इसे लगाना चाहो लगा दो और नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। तो हमारा हम सेंटेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट ऑल द विंडोज एंड डोर्स बी ओपन, और Let all the windows and doors be opened by you लिख दें, ब्रैकेट मत लगाना, ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया है तो भी हमारा सेंटेंस
सही है, दोनों में से हम कोई सा भी ऑप्शन यू चूज करें दोनों सही हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यू ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स, यू जो है हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो यू को हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर लेकर आए, तो इसे लगाना चाहे लगा दें, ना लगाना चाहे ना लगाए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वॉक टू द लेफ्ट, अब लेफ्ट की तरफ चलो, तो आप ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, इसमें मैंने आपको बतलाया था जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो सिर्फ किस तरीके से बनते हैं, यू आर ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो ऑर्डर, एडवाइस वाला सेंटेंस है तो एडवाइस, तो वॉक टू द लेफ्ट बाई और चलो, तो एडवाइस वाला सेंटेंस लग रहा है आप, तो आप यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, अब वर्ब से पहले टू लगाया, पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दिया, टू वॉक टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट, ऑब्जेक्ट इसका, क्योंकि इसका जवाब क्या या किसको में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है जाहिर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट, ये बिना ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डोंट मेक अ नॉइस, इसको भी तीनों तरीके से बना सकते हैं, लेफ्ट से भी बना सकते हैं, शुड बी का यूज करके भी बना सकते हैं, और यू आर ऑर्डर्ड इससे भी बना सकते हैं, तो हम इस सेंटेंस को लेट का यूज करके बनाते हैं, लेट नेगेटिव सेंटेंस है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, लेट अ नॉइस, ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो मैंने बताया था यदि नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे बी से पहले, तो लेट अ नॉइस नॉट बी लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, लेट अ नॉइस नॉट बी मेड, बाय यू लगाना चाहे लगा दे, ना लगाना चाहे ना लगाए, आपकी इच्छा है, लेट अ नॉइस नॉट बी मेड, शुड बी का यूज करके कैसे बनेगा, अ नॉइस शुड नॉट बी मेड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना, शुड बी का कैसे बना देंगे, अ नॉइस सब्जेक्ट बना दिया, शुड नॉट बी मेड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक है ना, तीनों तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स, ये भी कैसे बनेगा, ऑल द विंडोज एंड डोर्स शुड बी ओपन, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन ऑल द डोर्स, ऑल द विंडोज एंड डोर्स, ठीक है ना, तीनों तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, द बॉयज कॉल्ड हिम अ हीरो, अब ये सेंटेंस देखिए, सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया द बॉयज कॉल्ड, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आप इसको देखिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है, इस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसको हम उसी जगह रखा रहने देते हैं, हम सेंटेंस इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, ठीक है, तो हिम ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना के ले आएंगे, हिम का सब्जेक्ट हो गया ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज या वर लगेगा, ही वाज थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही रहेगी, ही वाज कॉल्ड, इसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ही वाज कॉल्ड अ हीरो, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के यहां पर ले आएंगे बाय द बॉयज, लड़कों ने उसे हीरो पुकारा, he was called a hero by the boys, वो हीरो कहलाया गया, पुकारा गया by the boys, लड़कों के द्वारा, तो he was called a hero by the boys, next sentence हमारा, the judge suspected that someone had bribed the witness, बहुत important sentence है ये, इसको हम दो तीन तरीके से बना सकते हैं,
आप एक चीज तो ये देखिए, संबंध वाला सेंटेंस है, मैंने आपको बताया भी था यदि संबंध सेंटेंस में आता है तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें डूअर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो द जज सस्पेक्टेड, इसको हम द जज सस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं और इट वॉज सस्पेक्टेड बाय द जज भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीकों से सही है क्योंकि अभी हम इसको भी पैसिव में चेंज करेंगे। दोनों इसमें इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और आप एक पार्ट को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, वो पैसिव में ही माना जाएगा। ठीक है, तो द जज सस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं हम और इट वॉज सस्पेक्टेड बाय द जज भी लिख सकते हैं। तो द जज सस्पेक्टेड दैट, हम इस पार्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर और ये हमारा ऑब्जेक्ट है द विटनेस। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं तो द विटनेस गवाह, हेड आ गया, हैज अ हेड तो बीन लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड है। तो द विटनेस हैड बीन ब्राइड, संबंध वाला सेंटेंस है, इसमें बाय संबंध हमें लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया संबंध आ जाए, पीपल आ जाए, नोबडी आ जाए, नन आ जाए, वन आ जाए तो हम इनको छोड़ देते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन गया द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब, जज को संदेह था कि विटनेस को गवाह को रिश्वत दी गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही टीचेस अस इंग्लिश, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो गया है हमारा, दो ऑब्जेक्ट हैं, मैंने आपको बताया है, वह पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है इंग्लिश, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, किसको पढ़ाता है हमको, तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। मैंने आपको बताया था जो पर्सन हो तो उसे तो आप, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और जो थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट को लेकर सेंटेंस बन सकता है लेकिन मैंने आपको कहा था प्रेफर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में करना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अस, अस का सब्जेक्ट है वी, तो यहां पर आ जाएगा वी, ही की जगह आ गया वी, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया वी। अब आ गया टीचर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है। तो अब मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीआईएस या डू डज आ जाए तो इसे आर लगाएंगे, वी के साथ आर लगेगा, वी आर, थर्ड फॉर्म टीच की क्या हो गई, टॉट, वी आर टॉट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उधर ले आएंगे, वी आर टॉट इंग्लिश बाय, ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। ठीक है, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, इससे भी जरा हम इसका सेंटेंस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर भी बना देते हैं। इंग्लिश इज टॉट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू आएगा अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। ठीक है, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम या इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, लेकिन हम प्रिफर इसको करेंगे, दोनों तरीके से बन सकता है, बस इसमें हम प्रिपोजिशन का यूज करेंगे इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, इट इज टाइम वाला सेंटेंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताया था इट इज टाइम आता है, फिर इंफिनिटिव आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब इसका तरीका बनाने का क्या है, जैसे इट इज टाइम टू है तो इट इज टाइम टू की जगह इट इज टाइम फॉर आ जाएगा, इट इज टाइम फॉर। ठीक है, अब आपका जो ये ऑब्जेक्ट है द मैटर, ये लिखेंगे इट इज टाइम फॉर, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा द मैटर, फिर इसके बाद टू बी आएगा, अब
मेरा वीडियो का पार्ट टू है उसमें देखिए मैंने बता रखे हैं किस ऑर्डर में सेंटेंस लिखा जाएगा। इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा लुक, तो इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। क्लियर? इट इज टाइम वाला सेंटेंस, इट इज टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर टू बी लगाओगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो ये तो थी हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिनमें हमने अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस किए। मुझको उम्मीद है कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि आप मेरी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।